एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए कितनी बड़ी बात है आपके लिए डायरेक्टर? बहुत बड़ी बात है, इस माय गुड ठीक है। ममता जी आई हैं, अच्छी सिंगर से, मार्केट में अच्छा कर रही हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी फिल्म में। ये बताइए फिल्म का जो टाइटल है हाँ, वो थोड़ा सा अनोखा टाइटल है, हाँ, है क्या सब्जेक्ट है हाँ, फिल्म का? मेरे फिल्म का टाइटल है इंग्लिश की टाटा फिस। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज लोगों ने ना जो इंडिया को समझा ना कि इंडिया की भाषा बड़ी टूटी फूटी है, इंडिया के लोग बड़े गरीब है, तो हम बताना चाहते हैं कि इंडिया के लोग आपसे कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं। अतिथि देव बाबा, आप इंडिया हो, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इज माई थॉट फिल्म का, क्योंकि यहाँ पे लोग जो अंग्रेज लोग जाते हैं बाहर, बोलते हैं इंडिया डर्टी कल्चर, इंडिया के लोग की कुछ परवासा नहीं है। तुम बताना चाहते हैं कि हमारी परवासा इतनी प्यारी है कि आप आओ और हमसे सीखो कुछ, तो ये हमने लेके इंग्लिश टाटा फिस की हुई है उनकी। प्रोड्यूसर यहाँ फिल्म के, खास क्या लगा इस फिल्म में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी, इस फिल्म में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो इंडिया कल्चर है बिल्कुल हटके है, दुनिया के सारे माने विदेशों जो भी है उसे हटके है। तो जो हमारे विदेश जो विदेशी लोग अपने इंडिया में आएंगे और आने के बाद जो बर्ताव होता है, जो उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं या हमारे गांव के लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते, इससे क्या हमें काफी कंफ्यूजन पैदा होता है। इस प्रकार से इस पिक्चर में कॉमेडी सीन्स वगैरह। फिल्म के डायरेक्टर हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने देश को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये जानते हैं कि इंग्लिश की कितनी अहमियत है, बिना इंग्लिश के अच्छा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंग्लिश की अहमियत बहुत इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी हिंदी की रिस्पेक्ट और हम हिंदी को इंग्लिश को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश को आउट ऑफ कर दो, दोनों की भाषा सेम है, लेकिन हमारी भाषा को रिस्पेक्ट दो। इस माइक अतिथि देव भवा, आमिर खान जी ने कहा कि जो लोग बाहर से आते हैं मेरे मेहमान है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे इंडिया के लोग बाहर जाए तो उनको रिस्पेक्ट करो ना यार, हम उस लेवल में कंधे से कंधे मिलाने चाहते हैं आप लोगों से। इंडिया इज नॉट डर्टी कल्चर की, तुम कुछ भी इंडिया जाके बोल दो कि इंडिया इज पुअर एक्स वाई जेड। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, शाम के बारे में? बस यही है कि हम भी यही चाहते हैं जो अतिथि आए हैं उनका सही स्वागत हो और हमारी भाषा वो समझे और कन्फ्रेंस करें। कास्ट के बारे में बता दीजिए। कास्ट मैंने तीन लड़के जो मेरे बाहर के हैं, एक लड़का हमने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो है कि फॉरनर लोग इंडिया आते हैं और उनके साथ क्या घटना घटती है, हम उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। मोदी जी ने कहा कि हिंदी को बढ़ाओ और देश बचाओ, ठीक है। आखिरी में ये बताइए, शूटिंग कब शुरू हो रही है? शूट फरवरी से हम लोग फिल्म जा रहे हैं। और दर्शकों को कब तक देखने को मिलेगी? ये अप्रैल मई में जाएगी, अप्रैल मई। थैंक्स। How fortunate do you think you are being part of the message? Yes, I'm doing my lead role. My personage, his name is David. Okay. So I'm very excited about it, and I guess it will be a very, very nice time for us, and we're making this movie the best. You will watch this. Okay, thank you so much. What do you have to say about it? You are being a part of it. Yeah, I'm doing a character of a John. Yeah, I'm doing the character of John as a positive man in this movie, and hope the shoot will be awesome. And it's in the winter vacation, so much colder. Common question: how passionate about your Bollywood film message? Yeah. Do you watch Hindi films? Yes, of course. Who's your favorite actor? Shahrukh, Salman, Amir. Oh, you know, guys, my favorite actor is of course it's Shahrukh Khan. Salman. Shahrukh, okay. And Amir, of course. So I'm now I'm in new movies, Shahrukh Khan and Salman Khan. So it's very. But my favorite last movie was of course Bajrangi Bhaijaan. Bajrangi. Yeah. What about you? I've worked in many movies and serials as well. So in, like I've worked in Dilwale movie. Okay. And I was with Shahrukh Khan in that movie. That's right. It's really good. He's a nice guy. Yeah, and I love this the movie, Life of Pi. I love that movie. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चौहान जी ने इस मूवी में लिया। मैं ऐसी मूवी करना चाहता था जो कि इंडिया के लिए बेस्ट हो और हमारे डायरेक्टर साहब जी के लिए बेस्ट हो। अच्छा। तो ये मूवी मुझे मिला इंग्लिश की टाइटल फिस, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। आप क्या समझते हैं इंग्लिश की कितनी अहमियत है सोसाइटी में? बहुत अहमियत है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, और हिंदी को भी हम उस लेवल पे लाना चाहते हैं। अच्छा। ताकि हमारे देश का सम्मान बढ़े जी। और मत बढ़े। रेडी? सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का जो टाइटल है वो थोड़ा यूनिक है, आपने आपने क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, कहते हैं कि आज की डेट में अगर आप यूनिक काम नहीं करेंगे तो यूनिक कैसे बन पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं अमित चौहान जी के लिए, मैं आया हूँ उनको विश करने के लिए। ये उनकी फिल्म, जैसा कि टाइटल है इंग्लिश की टाटा फिश, उनकी फिल्म सुपरहिट हो, लोगों को पसंद आए। जितनी मेहनत से वो काम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो इस फिल्म से तरक्की करें और बहुत ऊंचा नाम बनाए।
बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना है? हमेशा से आपको पैपी नंबर गाते हुए देखा है हमने, इस गाने में किस तरह की मेलोडी होगी? आप सेम उसी को बरकरार रख की है, प्रमोशनल सॉन्ग है, उम्मीद रखते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपी नंबर्स ही होते हैं जो हमारी खुशियों में सबसे पहले शामिल होते हैं, दुखों में सैड सॉन्ग्स. सो आई थिंक इंसान हमेशा हैप्पी रहना चाहता है, जो नहीं भी होते वो भी हैप्पी होने के लिए म्यूजिक ये सुनते हैं, प्रमोशनल सॉन्ग्स. सो आई थिंक वंस अगेन मैंने लोगों की खुशियों में शामिल होने का प्रयास किया है. संदीप जी ने इसे संगीतबद्ध किया है, राजू जी ने इसे लिखा है, और अमित जी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं. और वैसे भी टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि कितना मजेदार मूवी होने वाली है. इंग्लिश की टाइन टाइन फिश नाम है टाइटल का. बहुत खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन है जो मूवी का मुझे बताया गया है, मैंने बहुत एंजॉय किया, उम्मीद करती हूँ उतना ही पब्लिक भी आगे एंजॉय करेगी. म्यूजिक का जो रिवॉल्यूशन हुआ है पब्लिक के थ्रू, तो उससे आप कितने खुश हैं? बहुत, हमेशा से ही किए जाते हैं. आई थिंक जब से मूवी शुरू हुई है, आप देखिए आशा जी के इतने सारे डांस नंबर्स हैं, हेलन जी हैज़ बीन सुपर हिट, और पुरानी अरुणा रानी जी जितने भी है, और अभी न्यू कमर्स में भी जितने भी हैं, आई थिंक प्रमोशनल सॉन्ग इज अ मस्ट फॉर अ मूवी, क्योंकि आई थिंक प्रमोशनल सॉन्ग ही वो गीत होता है जो लोगों को दरवाजे तक खींचता है सिनेमा के लोग चाहते हैं, चाहत उठती है देखने की कि मूवी कैसी होगी अगर गाना ऐसा है. तो आई थिंक मस्ट है, जैसे हीरो हीरोइन जरूरी है, ऐसे प्रमोशनल सॉन्ग जरूरी है. ममता जी नवरात्रि चले तो कहीं परफॉर्म कर रही हैं मुंबई में कहीं भी? बिल्कुल, मुंबई में हमने किया था. आई एम गोइंग टू सूरत टुडे, एंड आई ऑलवेज लव पब्लिक ऑडियंस, वो किसी भी रूप में हो, नवरात्रि में होता है तो और ज्यादा मजा इसलिए आता है कि बहुत ज्यादा ह्यूज ऑडियंस आती है और वो लोग डांस करते रहते हैं, नहीं तो नॉर्मली सुनने के लिए आते तो वो डांस करना अलाउड नहीं होता है उनको. बहुत जल्दी आने वाले हैं, बताने से बेटर है कि आप उसे सुने. अभी वेलकम बैक आके गया है रिसेंटली हमारा, और एक और पुली मूवी आई थी अभी, उसमें भी हमने गाया था देवी श्री प्रसाद के लिए. और अभी फ्यूचर में भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट बिकॉज इट्स नॉट फर्दर बीन वर्क्ड मच, बट जैसे ही आएगा आई लेट यू नो. अच्छा, ये गाना तो ऑडियंस बहुत ही जल्दी सुनने वाली है, तो एक लाइव दो लाइनें हो जाए ऑडियंस के. जरूर. ये इश्क का बाजार है, यहाँ आशिक मेरे हजार हैं. ये इश्क का बाजार है, यहाँ आशिक मेरे हजार हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. प्लीज आप थैंक यू सर भाई. अरे राजेश जी आइए.